नमस्कार, मैं शिवानी, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तराखंड। कोसी कला के शहरी और ग्रामीण अंचलों में चल रहे स्कूलों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। श्री गणेश भगवान विद्या मंदिर मेहरौली छाता मथुरा के छात्रों ने शिक्षक दिवस पर स्वयं शिक्षक बनकर कक्षाओं की जिम्मेदारी का पूर्ण पालन करते हुए छोटी बड़ी कक्षाओं के छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा दी। छात्र छात्राओं ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। श्री गणेश भगवान विद्या मंदिर स्कूल में शिक्षक दिवस पर प्रधानाचार्य रामप्रकाश उपाध्याय ने छात्रों को पूर्व राष्ट्रपति शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी दी। विद्यालय के प्रबंधक लोकेश शर्मा ने एवं अध्यापक पवन चौधरी ने छात्रों को शिक्षक दिवस की महत्ता बताई और कहा कि शिक्षक विद्यार्थी के जीवन का स्तंभ होता है। वो अपना समय देकर छात्र के जीवन को संवारते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक न सिर्फ शिक्षा देते हैं बल्कि वो हमेशा छात्रों को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। दसवीं कक्षा की छात्रा अपना ने कहा कि शिक्षक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, अध्यापक ही होता है और जो बच्चों में सही मार्गदर्शन की वजह से समाज में बदलाव की भावना ला सकता है। अध्यापक हर एक शब्द को अच्छे से समझाते और हर रोज हमें कुछ नया सिखाते हैं। अध्यापक हमें सिखाकर परीक्षा लेता है और समय परीक्षा लेकर सिखा जाता है। सच की राह पर चलना सिखाते अध्यापक एक ज्ञान का भंडार होता है जो धैर्य और विश्वास के आधार पर विद्यार्थी के भविष्य की जिम्मेदारी लेता है। आज शिक्षक दिवस है, जगह जगह विद्यालय में बच्चों के द्वारा शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, तो आपके विद्यालय में क्या कार्यक्रम गए, किस तरह से आपने शिक्षक दिवस को मनाया गया? हमने बच्चों को शिक्षक दिवस की बधाई दी है और बड़ी क्लास के बच्चे छोटे बच्चों को एज ए टीचर वो वर्क करा रहे हैं जिससे कि उन्हें पता लगे कि टीचर की महत्ता क्या होती है। शिक्षक दिवस के बारे में बच्चों को क्या अवगत कराया गया? शिक्षक दिवस के बारे में बच्चों को बताया गया कि आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, उनके जन्म के अवसर पर हम शिक्षक दिवस को मनाते हैं। उनके आदर्श जो उन्होंने स्थापित किए, हम उन्हें उन आदर्श को चलना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़ें और उनके आदर्श में चलें। बच्चों को क्या संदेश देंगे? बस बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे अपने गुरुओं का आदर करें, सम्मान करें, यदि वो आदर सम्मान करेंगे तो निश्चित ही वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज शिक्षक दिवस है, आप एक शिक्षक बन के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? आज जैसा भी आप सभी जानते हैं कि आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था जो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे। आज हमने शिक्षक बनकर छोटे छोटी क्लासों में जाकर पढ़ाया है। सभी बच्चों को टीचरों का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक आदर्श अध्यापक थे, उन्होंने हर क्षेत्र में जाकर बच्चों को अपना छात्र बनाया। वो एक बहुत आदर्श अध्यापक थे, पदों पर चलना चाहिए जो हमने आयम स्थापित किए थे। पहला गुरु माता होती है, दूसरा गुरु अध्यापक होते हैं। हमें सभी अध्यापकों को सम्मान देना चाहिए। आज शिक्षा दिवस है, इसीलिए हम अपने स्कूल के सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को इसकी बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। हाँ सर, बताया आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पर बच्चों को क्या संदेश दिया है? सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सपूत की ओर से अपनी दूसरी संस्था श्री श्यामदास बाबा कॉलेज की ओर से, श्यामदास बाबा इंटर कॉलेज की ओर से संपूर्ण अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को शुभकामनाएँ देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। क्या संदेश देंगे बच्चों का शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया गया? बच्चों को अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक समाज में सर्वोपरि होता है, माता पिता से भी बढ़ के शिक्षक को स्थान दिया गया है समाज में। तो मैं बच्चों से यही अनुरोध करूँगा कि अपने शिक्षक एवं माता पिता अपने से बड़ों का मान सम्मान करें
और उनका मान सम्मान बढ़ाएं। बोलो। आज हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को हर क्लास में भेजकर एक अध्यापक के रूप में कार्य कराया गया, जिससे उन बच्चों में अच्छी खासी उत्साह उत्पन्न हुई और उन बच्चों को ये ज्ञान भी मिला कि बच्चों को इस प्रकार पढ़ाया जाता है। ऐसी कोई गतिविधि नहीं हो जिससे किसी टीचर के सम्मान में ठेस पहुंचे। उन बच्चों ने उन छोटे बच्चों को भी बताया, जो बड़े बच्चे जो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे उनको भी समझाया, और इस शिक्षक दिवस के बारे में भी उन छोटे बच्चों को अवगत कराया कि ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है।